स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल एंट्रेंस नॉलेज पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं जीके के 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम व्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इससे पहले मैंने पार्ट 41 तक वीडियो कवर करा दिया है, ये पार्ट 42 है। अगर जी आप पिछले वीडियो को नहीं देखते, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वेन वॉज द अरबिक लैंग्वेज एडेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो फर्स्ट नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 दिसंबर 1973। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर टू नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन इज ऑल्सो नोन एज द। तो टू नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले इसका राइट आंसर होगा रोनाल्ड गैरोस, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर टू का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर थ्री नंबर क्वेश्चन है, हु एमोंग द फॉलोइंग इज ए स्पेनिश स्पोर्ट्स पर्सन। तो थ्री नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो राइट आंसर होगा राफेल नडाल, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर थ्री का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर फोर नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफेट इन। तो फोर नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा बैटल ऑफ वाटरलू, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर फाइव नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज कैपिटल ऑफ द फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक। तो फाइव नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फाइव का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इज ऑन विच साइड ऑफ स्पेन। तो सिक्स नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा साउथ, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर सेवन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला ड्यूरिंग रोमन टाइम्स। तो सेवन नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले इसका राइट आंसर होगा हिस्पानिया, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवन का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर एट नंबर क्वेश्चन है, हु एमोंग द फॉलोइंग रोड ड्यून क्विटो। तो एट नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा मिगुल डे करवेंटस, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर एट का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर नाइन नंबर क्वेश्चन है, हब्सबर्ग स्पेन रिपोर्ट टू द पीरियड ऑफ। तो नाइन नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले इसका राइट आंसर होगा 16th and 17th century, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर टेन नंबर क्वेश्चन है, द बर्थ ऑफ द विर्गिन हैज़ बीन पेंटेड बाय। तो टेन नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो उसका राइट आंसर होगा डी, यानी बर्टोल्मो स्टेबेन मुरिलो, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर टेन का। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अपने अगर जी जेएनयू की तैयारी स्टार्ट नहीं की तो कृपया वो तैयारी स्टार्ट कर दे, या उनके पास मटेरियल नहीं है तो कोई सा भी नोट्स नहीं है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। बहुत ही कम प्राइस में उनको सारे कंट्री के पीडीएफ साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर इलेवन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द करेंसी ऑफ स्पेन बिफोर द यूरो। तो 11 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी पेसिटा, बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट पार्ट ऑफ द गोल्ड ड्यूरिंग आयरन एज। तो 12 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले इसका राइट आंसर होगा स्पेन, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ
रीजनल स्पेन। तो 13 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रियन, डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, हु एमोंग द फॉलोइंग इज द हेड कोच ऑफ रियल मैड्रिड। तो 14 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी जिनेडिन जिडेंग। सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। और साथ ही साथ आप लोग को एक और बात बताना, रियल मैड्रिड जो फाउंडेड किया गया था 1902 में, और एफसी बार्सिलोना कब किया गया था, 1899। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन स्पेन। 15 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले, इसका राइट आंसर होगा डी, एसिनारा, जिसमें लोकेटेड नहीं है। डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स फॉर्म द नेचुरल बॉर्डर एलोंग फ्रांस एंड स्पेन। तो 16 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पायरेनीज माउंटेन। डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, सन फेरमिन इज सेलिब्रेटेड इन द स्पेनिश सिटी। तो 17 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले, इसका राइट आंसर होगा पैम्पलोना, यानी पैम्पलोना, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए स्पेनिश सिंगर। इनमें से कौन सा स्पेनिश सिंगर है। तो 18 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा लिल वायने, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, हु एमोंग द फॉलोइंग वाज स्पॉन्सर्ड बाय स्पेनिश मोनार्क फॉर वोएज। तो 19 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस। डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है, लेस मेनिनस कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम। तो 20 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले, इसका राइट आंसर होगा म्यूसो डेल प्राडो, जो मैड्रिड में है। बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है, चाइल्ड रिलेनोस इज ए फेमस क्यूसिन ऑफ। तो 21 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी मैक्सिको। सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट रिलीजन ऑफ स्पेन। तो 22 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले, इसका राइट आंसर होगा बी, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी। बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कॉलोनी ऑफ द स्पेनिश ईस्ट इंडीज। तो 23 नंबर का हमारा राइट आंसर है फिलीपींस, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ जर्मन फॉर्मूला फर्स्ट रेसिंग ड्राइवर। तो 24 नंबर का हमारा राइट आंसर है सेबास्टियन वेटेल, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7 कंट्रीज। G7 का कौन सा
मेंबर नहीं है, कौन सा कंट्री G7 का मेंबर नहीं है। तो 25 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा बी स्पेन। स्पेन जो है G7 का मेंबर नहीं है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फेडरेशन सिंस। तो 26 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा सी यानी 2012। सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है, BMW हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन। तो 27 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा मुनिच। मुनिच जो सिटी है जर्मनी का, वो BMW का हेडक्वार्टर है। और ये कब BMW इस्टेब्लिश किया गया था कंपनी, 1916 यानी 1916 में किया गया था। इसी तरह मर्सिडीज का कब किया गया था, जिसको डेमलर क्रिस्टल कहते हैं, वो 1926 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, स्टुटगार्ट। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, 1974 फीफा वर्ल्ड कप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। 28 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा डी यानी जर्मनी। डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए कॉमन बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी। तो 29 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा सी यानी नीदरलैंड। सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस संत जर्मेनियन इज ए प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब बेस्ड इन। तो 30 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पेरिस। ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नेवर वन द फीफा वर्ल्ड कप। इनमें से कौन सा कंट्री जो कभी फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी रसिया। रसिया फीफा वर्ल्ड कप एक भी बार नहीं जीता। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन वाटर बॉडी बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। तो 32 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा बे ऑफ बिस्की यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन है, सरडम ऑफ रसिया वाज डिजोल्व इन। तो 33 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा 1721 यानी 1721। ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रेंच नोवेलिस्ट रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1985। तो 34 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा क्लॉड साइमन यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का। चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन है, वाटरबर्ग कैस्टल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो 35 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर जो आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। आप लोग के लिए काफ़ी क्वेश्चन डिस्कवर करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो के लिए लाता हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। जिन लोगों को PDF बाय करना है वो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।